यहाँ दो तरह से बलून को फुलाने का कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉ से और एक सीधे मुंह से। देखते हैं कौन सा बलून पहले फूलता है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जा रहे हैं इस बात को पता करेंगे कि कैसे बलून के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कि हवा में भार होता है, वेट होता है। अभी सबसे पहले दो बलून एक बराबर साइज का अनुमान लगाकर उसको तैयार कर लेंगे और धागे से बांध रहे हैं। अब इन बलून्स को हम तराजू बनाने के लिए, हमारे पास अभी केवल स्केल था, तो हम स्केल में दोनों तरफ धागे से उन दोनों बलून्स को बांध देंगे, जिससे वो दोनों तरफ बराबर भार होने, वेट होने की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। और अब बीच में भी हमें धागा बांधना पड़ेगा। इसके लिए हम धागे को स्केल के बिल्कुल बीच में बांधेंगे। बीच में जब धागा बांध देंगे तो बिल्कुल ये वेइंग स्केल जैसा हो जाएगा, तराजू के जैसा, जिसको हाथ से जब हम पकड़ेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस रहेगा और बिल्कुल वो तराजू की तरह हो जाएगा। अब हमें दिखाना ये है कि कैसे हम देख सकते हैं कि हवा में जो वेट होता है, भार होता है, वो बलून वाली गतिविधि से हम देख पाएंगे। अब क्या होगा कि हम किसी भी एक तरफ के बलून को उसको फोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे उसके अंदर जो हवा था, जिसका कुछ भार था, कुछ वेट था, वो तुरंत निकल जाएगा और दूसरी तरफ का जो बलून है वो नीचे झुक जाएगा, क्योंकि जो बैलून हमने फोड़ा है वो ऊपर चला जाएगा। इसे देख सकते हैं आप कि हम बच्चे जान सकेंगे कि यह बलून में जो हवा था वो फूटने की वजह से हवा निकल गया और वो शून्य हो गया, जीरो हो गया। इसलिए जो जिसमें बलून में जो बलून फुला हुआ है उसमें अभी भार है, वेट है, इसलिए वो नीचे आ गया, क्योंकि भारी चीज़ नीचे आ जाती है। अब देखिए बच्चे जो है फिर से एक कंपटीशन कर रहे हैं बलून को फुलाने का स्ट्रॉ से, बहुत ही प्यारे बच्चे। और यहाँ पर सारे बच्चे एक बार फिर से देखते हुए किस तरह से एयर विषय को, एयर प्रकरण को जो है, एयर जैसे टॉपिक को बच्चे आराम से जो है खेल खेल में सीख सकते हैं कि एयर में जो होता है उसको हम फील कर सकते हैं, एयर का टेस्ट नहीं होता है, कोई कोई कलर नहीं होता है एयर में। इन चीज़ों को बच्चे खुद करके महसूस करके देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं।